जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल की जितनी भी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज है ना, वो बेजललेस फोन बनाने के पीछे पागल है। मतलब कि ऑल स्क्रीन डिस्प्ले वाला फोन बनाना चाहती है। और आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले कि बेजललेस फोन बनाने की सबसे बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजीज कौन सी है। तो चलिए एक बार सारी टेक्नोलॉजीज पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में आता है नॉच। अब नॉच का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है, लेकिन नॉच की जो शुरुआत है ना वो हुई थी 2017 में, जब एसेंशियल फोन आया था और इसी चीज को पॉपुलर बनाया आईफोन 10 में। और तो नॉच का जो इंप्लीमेंटेशन है ना वो काफी ज्यादा सिंपल है, यानी कि लेफ्ट की तरफ भी डिस्प्ले देना, राइट की तरफ भी, नीचे भी आपको डिस्प्ले देना, और बीच में जो छोटी सी खाली जगह रह जाती है ना वहां पे आपको देना है स्पीकर, सेंसर, फ्रंट फेसिंग कैमरा, उसको इंप्लीमेंट करना है। और नॉच की खास बात यह है कि इसे एलसीडी डिस्प्ले, एमोलेड स्क्रीन कहीं भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और इसे काफी कम प्राइस के अंदर किसी भी फोन के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और यही एक रीजन है कि आपको आज की डेट में 7-8 हज़ार रुपए के फोन में भी नॉच का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। और ये देख के लगता है कि जब नॉच है ना वो जब इतने लो प्राइस तक आ ही गया ना, तो आने वाले काफी लंबे समय तक आपको नॉच वाले फोन तो देखने को मिलने ही वाले। और इसके बाद बारी आती है पॉपअप कैमरा की। अब जो पॉपअप कैमरा है ना, इसे वीवो ने इंट्रोड्यूस किया था 2018 में, लेकिन उस समय थोड़ा सा स्लो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे पॉपअप कैमरा की स्पीड इंप्रूव होती गई, और आज तो वो फेस अनलॉक के लिए भी काम में आ जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वीवो इसे यूज कर रही, काफी सारी दूसरी कंपनीज ने भी इसे यूज किया है, यहां तक कि शाओमी ने भी अपने पॉपअप कैमरा वाले फोन को निकाला है। इनिशियली देख के लगा था कि पॉपअप कैमरा शायद इतनी ज्यादा सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी नहीं हो, लेकिन पॉपअप कैमरा को जो इंप्लीमेंटेशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि पॉपअप कैमरा का यूज करके आपको ऑल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ऊपर से जब भी आपको सेल्फी की जरूरत होती है ना तो थोड़ा सा सेल्फी कैमरा पॉप आउट करके बाहर की तरफ आ जाता है, जिससे आप सेल्फी को ले सकते हैं, और ये चीज देखने में काफी ज्यादा कूल भी लगती है। लेकिन पॉपअप कैमरा के मैकेनिज्म के साथ दिक्कत यह है कि सबसे पहले तो आपको फोन के अंदर एक कैमरे के लिए जगह बनानी पड़ेगी, उसके बाद वहां पे एक मोटर लगानी पड़ेगी, स्प्रिंग लगानी पड़ेगी, काफी ज्यादा मैकेनिकल पार्ट्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसके अंदर फोन के अंदर आपको काफी सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह कि आपको अच्छा एक इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला। वहीं बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी कंसर्न्स के बारे में, तो पिछले एक साल से पॉपअप कैमरा है ना वो मार्केट में, और अभी भी हमने कोई मेजर फेलियर रेट नहीं देखा। लेकिन जो प्रॉब्लम हमने अभी पॉपअप कैमरा के साथ देखी है वो देखिए कि उसके अंदर जो सेल्फी कैमरा होता है वहां पे आपको कुछ स्क्रैचेस देखने को मिल जाते हैं। और जो पॉपअप कैमरा का मैकेनिज्म है ना वो कंपनीज के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया कि काफी सारी कंपनीज अपने फोन के अंदर वो दे रही है। लेकिन पॉपअप कैमरा के साथ एक और प्रॉब्लम यह है कि वो सस्ता नहीं है, और उसे किसी सस्ते फोन में इंप्लीमेंट किया नहीं जा सकता, यानी कि मोटर लगानी, काफी सारी चीजें लगानी है, जिससे ऑब्वियसली जो फोन की कीमत है वो ज्यादा हो सकती है। और सिमिलर कुछ ऐसा ही केस होता है स्लाइडर कैमरा के साथ। अब स्लाइडर कैमरा है ना वो पॉपअप जो इतना तो पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन उसके फोन हमें देखने को मिले, जैसे सैमसंग गैलेक्सी A80 में वो देखने को मिलता है, और सबसे पहले देखने को मिला था ओप्पो के फाइंड एक्स के अंदर। और स्लाइडर कैमरा का जो कंसेप्ट है ना वो भी पॉपअप कैमरा जैसा है, लेकिन यहाँ पर जो स्लाइडर कैमरा है ना इसके अंदर फोन का जो पूरा का पूरा जो अपर पार्ट है ना वो पूरा लिफ्ट अप हो जाता है, जिसके अंदर कई बार आपको सेल्फी कैमराज और रियर कैमराज काफी सारी चीजें एक ही पार्ट में देखने को मिलती है। और इसके अंदर क्या रहता है कि आपको थोड़ी ज्यादा पावरफुल मोटर को लगाना पड़ता है, थोड़ी सी ज्यादा इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, और फोन के अंदर और थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लगाना पड़ता है। इसलिए जो कंपनीज है ना वो अभी है ना इस स्लाइडर कैमरा को इतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं कर रही, क्योंकि इसको इंप्लीमेंटेशन करना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये अभी उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, और इसके अंदर रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा है, और इसके फोन बनाना अभी उतना ज्यादा आसान नहीं है। इसलिए बाकी कंपनीज है ना अभी स्लाइडर कैमरा के पीछे कम भाग रही है। और स्लाइडर कैमरा है ना वो कंसेप्ट तो अच्छा था, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो पॉपअप कैमरा है ना वो थोड़ा सा बेटर निकला। और ऐसा ही कुछ केस बनता है रोटेटिंग कैमरा का। अब रोटेटिंग कैमरा आपको देखने को मिला था Asus के ZigZee में, वहीं देखने को मिला आपको Samsung Galaxy A80 में। और रोटेटिंग कैमरा का सबसे बड़ा फायदा तो ये कि आप रियर कैमरा का यूज करके सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन वही इसके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि रिलायबिलिटी कंसर्न्स है, कंपनीज के बीच में भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा ज्यादा महंगा हो जाता है। और ऑब्वियसली आप पूरे के पूरे कैमरा मॉड्यूल को रोटेट कर रहे हो, आप काफी पावरफुल मोटर लगा रहे हो, जिसके अंदर जो फेलियर के चांसेस या फिर जो एक्सीडेंशियल डैमेज के चांसेस है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन कंपनीज ने फिर भी इसे बनाया है, और सबसे बड़ा फायदा तो अभी तक इसका यही लगा है कि सेल्फीज इंप्रूव हो जाती है, लेकिन ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एज कंपेयर टू स्लाइडर ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन अभी भी मार्केट में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। और देखने वाली बात ये होगी कि बाकी कंपनीज के रोटेटिंग कैमरा पे बेस्ड अपने फोन को निकालती है कि नहीं निकालती, क्योंकि ये जो रोटेटिंग कैमरा का कंसेप्ट है ना ये भी अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है। और इसके बाद आता है पंच होल कैमरा। अब पंच होल की जो स्टार्टिंग हुई थी ना वो हुई थी 2018 के एंड में, जब इसे सैमसंग लाई थी, और बाद में इसे ऑनर ने भी लिया अपने फोन में, वीवो ने भी अपने फोन में लिया। और इस पंच होल कैमरा का जो बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है ना उसे सैमसंग ने किया था अपने गैलेक्सी सीरीज के अंदर, यानी कि उन्होंने एमोलेड डिस्प्ले के अंदर एक लेजर कट से होल बनाया और वहां पे सेल्फी कैमरा को इंप्लीमेंट किया था, और देखने में भी काफी अच्छा लगता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनिशियली जब पंच होल कैमराज आए थे ना तो काफी हद तक वो वाटर ड्रॉप नॉच, ड्यू ड्रॉप नॉच और जो डॉट नॉच होता है ना वैसे ही देखने में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई। अब जो पंच होल कैमरा का जो साइज है ना वो धीरे धीरे और ज्यादा छोटा होता हुआ जा रहा है,
और सबसे अच्छी बात पंचोल कैमरा की है ना, इसे काफी सस्ते फोन्स में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यानी कि आप एमोलेड डिस्प्ले भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक एलसीडी डिस्प्ले भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ऑलरेडी आपको 10-15 हज़ार के फोन्स में तो देखने को मिल ही रहा है। और देख के लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में जो पंचोल कैमरा है ना वो नॉच की जगह ले ले। यानी कि 7-8 हज़ार में आपको अभी नॉच वाले फोन्स देखने को मिल रहे हैं, तो क्या पता एक साल के अंदर आपको पंचोल कैमरा 7-8 हज़ार के फोन्स में देखने को मिल जाए। क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करना अभी नॉच को इंप्लीमेंट करने जितना ही आसान है। मतलब कि इसके अंदर आपको कोई मोटर नहीं लगानी, कोई हाईफाई इंजीनियरिंग नहीं करनी, जो करंट टेक्नोलॉजी है ना उसी का यूज करके काफी आसानी से किया जा सकता है। और जो सैमसंग के पास जो पंचोल बनाने वाली टेक्नोलॉजी है ना, जब वो आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करेगी ना, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको दूसरी कंपनी की तरफ से भी कमाल कमाल के फोन्स देखने को मिले, जिनके अंदर आपको होल पंच कैमरा कटआउट देखने को मिले। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितनी देर से नॉच पॉपुलर हुआ था ना, तो हो सकता है पंचोल कैमरा आने वाले समय में नॉच को कंप्लीटली रिप्लेस कर दे। और इसके बाद बारी आती है अंडर डिस्प्ले कैमरा के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी अभी तक हमने कोई रियलिटी में फोन्स नहीं देखे, और जो चीजें अभी तक हमने देखी ना वो सिर्फ प्रोटोटाइप देखे। जैसे अगर हम बात करें Xiaomi ने एक वीडियो का प्रोटोटाइप दिया था, वहीं Oppo ने अभी तक सिर्फ एक प्रोटोटाइप का सिर्फ एक डेमो दिखाया है। तो क्योंकि जो अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी है ना, ये अभी बहुत ही ज्यादा नहीं है और बहुत ही ज्यादा अभी डेवलपमेंट फेज में, और अभी तक हमें इसके प्रॉपर फोन्स भी देखने को नहीं मिले हैं। और करेंटली इस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो कैमरा की जो इमेजेस की जो क्वालिटी ना, वो ऐसा लगता है कि 2 मेगापिक्सल के कैमरा से ली गई है, क्योंकि इमेज की क्वालिटी उतनी ज्यादा खास नहीं है। और देखा तो इसका कंसेप्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि एक एमोलेड डिस्प्ले को लिया जा रहा है, उसके पीछे कैमरा को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और वहां पे जब पिक्सल्स टर्न ऑफ हो जाते हैं तो डिस्प्ले को वो ट्रांसल्यूसेंट बना देते हैं, जिससे लाइट एंटर हो जाती है, और जिससे जो कैमरा है ना वो सेल्फी को ले सकता है। लेकिन सेल्फी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अभी हम इसे फेस अनलॉकिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते, ऊपर से अभी टेक्नोलॉजी नहीं है तो काफी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है वो महंगा है, ऊपर से एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही यूज कर सकते हैं, इसलिए जो फोन की कीमत है वो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। तो देखा जाए तो अभी इस टेक्नोलॉजी में और ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, और इसे और ज्यादा सस्ता बनाने की जरूरत है। वहीं बात करें अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले फोन्स आपको कब देखने को मिलेंगे, वेल कहा जा रहा है कि 2020 में आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन्स के अंदर देखने को मिलेगा, और वहीं 2021 में ये टेक्नोलॉजी जब सस्ती होगी ना, तभी आपको मेजॉरिटी फोन्स में देखने को मिलेगी। और ऑब्वियसली फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन इसके साथ साथ और भी शायद दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनीज डेवलप कर रही है, जिससे वो कंप्लीट बेजललेस फोन या फिर फोन के अंदर कोई नए टाइप का इनोवेशन या कोई नए टाइप का एक्सपीरियंस दे सकती है। तो करेंटली देखा जाए तो अभी सिर्फ यही टेक्नोलॉजी है जिनका यूज करके कंप्लीट बेजललेस फोन को बनाया जा सकता है। बाकी आप अपने अगले फोन के अंदर क्या देखना चाहो, क्या पंचोल देखना चाहोगे, नॉच देखना चाहोगे, पॉपअप, स्लाइडर, रोटेटिंग, या फिर अंडर डिस्प्ले कैमरा, आप लोगों की चॉइस क्या होगी मुझे नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।